So, सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे, अजय जी का क्वेश्चन है, काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे और ये बोल रहे हैं सर 15,000 के एसआईपी मैं कर रहा हूं और 15,000 के एसआईपी में कुछ उन्होंने फंड्स लिए हैं, तो मैं आपके सामने उनके फंड्स दिखाना चाहूंगा और उन्होंने जो सिलेक्शन की है कि 15,000 के एसआईपी लगातार ही चला रहे हैं। अब 15,000 की एसआईपी में कौन से फंड बिल्कुल सही हैं और मेरा क्या नजरिया, थोड़ा सा हम देखेंगे फंड्स के बारे में। टोटल इनकी जो एसआईपी है सर वो लगभग 15,000 प्रति महीने के एसआईपी लगातार कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात है इन्होंने कुछ कॉम्बिनेशंस मुझे बहुत अच्छे लगे। इन्होंने स्मॉल कैप लिया, मिड कैप लिया, कुछ फ्लेक्सी कैप फंड भी लिया और सबसे अच्छी बात है इन्होंने ना अभी आदित्य बिरला सन लाइफ का एक जो कह सकते हैं सेक्टोरियल फंड भी इन्होंने लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसने कितना इनका रिक्वायरमेंट रही है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में 2,500 रुपए लिया है तो उन्होंने ठीक है 2,500 आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 2,000 आपने लिया है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करें 2,500 लिया है। यहां सर एचडीएफसी जो मिड कैप आपने 2,000 लिया है इसकी जगह पे आप चाहो तो आप निपॉन का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ले सकते हो, निपॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसके भी रिटर्न बहुत अच्छे हैं, कंपल्सरी रहेगा अगर आप ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अमाउंट लगभग आपका 2,000 रुपीज सही है। क्वांट स्मॉल कैप 2,500 आपने, ये मुझे सही लग रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात करें 2,000 आपने सही रखा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का फंड है, आपने 2 स्मॉल रखा है 2 मिड कैप, तो निपॉन इंडिया को ले सकते हो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अच्छा आपका चॉइस है, 3,000 ले सकते हो और अगर आदित्य बिरला सनलाइफ की बात करें तो 3,000 की ले सकते हो। तो मैं आपको देखो एक चीज हमेशा कहूंगा कि जब भी कोई पोर्टफोलियो आप बनाओ ना सबसे पहले कॉम्बिनेशन रखना बहुत जरूरी है, जो मुझे यहां ठीक ठाक लगा। देखो आपने कॉम्बिनेशन क्या रखा, जो मैं हमेशा आप लोग कहता हूं सर कॉम्बिनेशन रख रहे हो तो स्मॉल कैप रखो, ठीक है। स्मॉल कैप के बाद मिड कैप का भी कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए एंड अगला अगर लार्ज कैप रखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लार्ज कैप फंड भी ले सकते हो। अगर आपका मन है इंडेक्स फंड लेने का तो कोई बात नहीं, इंडेक्स फंड बेसिकली बिल्कुल जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और प्लान करना चाहते हैं कि यार एज पर द इंडेक्स मेरा लॉन्ग टर्म में रिटर्न मुझे मिलता रहे 12-13% दे कैन प्लान फॉर द इंडेक्स फंड। नहीं तो काफी लोगों की चॉइस मल्टी कैप फंड की रहती है जिसमें लगातार 25% स्मॉल, 25% मिड एंड 25% लार्ज कैप कंपनी में होता है, तो आप ये कर सकते हो। पराग और जो ये इंपॉर्टेंट है तीसरा हो गया, चौथा आप ले सकते हो फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी। तो फ्लेक्सी कैप फंड आपने देखा, फ्लेक्सी कैप फंड जो अपना जो फंड मैनेजर होता है एज पर द मार्केट वो पैसे लगाते हैं, तो बेसिकली कोई भी आप जब भी फंड सिलेक्ट करो ना 15,000 इट्स अ वेरी गुड अमाउंट, ठीक ठाक अमाउंट है। 15,000 एसआईपी अगर 15 साल के लिए करते हो तो 1 CR वैल्यू बनती है। तो कहने का क्या मतलब, कॉम्बिनेशन हमेशा रखो सर। स्मॉल कैप आप लोग बहुत मुझे पोर्टफोलियो लगातार भेजते हो, बोलते हो सर इसको करेक्ट कर दो, सही कर दो, तो मैं चाहता हूं कि आप खुद सीखो, खुद कर पाओगे कैसे। स्मॉल कैप मैंने बोला जैसे 30-40% आप चाहो तो रख सकते हो, ठीक है 30-40% रख लिया। मिड कैप आपका प्लान है 30-40% आप मिड कैप भी रख सकते हो, बाकी 20% आपका फ्लेक्सी कैप फंड, 20% आपका कोई भी आप सेक्टोरियल फंड ले सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन अगर लॉन्ग टर्म में रखोगे सर तो पैसा ठीक ठाक बनता है म्यूचुअल फंड में जैसा इन्होंने रखा है, तो मुझे सर ठीक ठाक लग रहा है। केवल एचडीएफसी मिड कैप मैंने हटाया क्योंकि ऑलरेडी आपने एचडीएफसी स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट कर रहे हो, यहां मैंने निपॉन का ले लिया है, निपॉन इंडिया मिड अपॉर्चुनिटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, रिटर्न ठीक ठाक दिया है लगभग 19% पिछले 20-25 सालों में, तो ये ठीक है। बाकी आपका एक और क्वेश्चन है कि आपने कुछ लमसम कर दिया है, क्वांट ईएलएसएस में किया है टैक्स में 50,000, पराग पारिक टैक्स में 50,000, तो मैं बोलूंगा कि अगर आप यहां टैक्स कैटेगरी में पैसा बचाना चाह रहे हो अंडर सेक्शन 80C की कैटेगरी में आप पैसा बचाना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से तब बेहतर है, नहीं तो इससे अच्छे बहुत सारे फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं वही कहूंगा कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी में अच्छा है, कोटक अच्छा है, एचडीएफसी अच्छा है, एसबीआई मैग्नम अच्छे हैं, ये सारे हैं, कैनरोबोको मिड कैप एंड लार्ज कैप कैटेगरी बहुत अच्छी है। तो ये सारे फंड मैंने आज की वीडियो में बताया था, काफी लोग पूछ रहे थे जब ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन वीडियो आई थी तो पता नहीं आई डोंट नो नोटिफिकेशन लोगों के पास नहीं पहुंचा, नहीं तो वीडियो तो बहुत पहले ही मेरी बन गई थी, तो मैंने काफी लोगों को सजेस्ट किया था कि ऐसे करेक्शन में ये लमसम आप करो। तो अजय जी ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ साथ मैंने ये पोर्टफोलियो रिवील किया है, तो प्लीज आप गो थ्रू करना और बाकी जिनको अंडरस्टैंडिंग ठीक लगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर दोस्तों शेयर करना चाहते हो प्लीज शेयर कर सकते हो, राइट। बाकी मिलते हैं स्टूडियो के साथ और यस बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो है मेरे पास, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपको वीडियो बना के प्रेजेंट करूं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।